बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं भाई, ये मतलब क्या मजा क्या आता है आपको? दिस इज रियली ब्यूटिफुल. Hey guys, good morning and welcome to the channel. उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया रहेंगे. सुबह के 6:30 बजे हैं और हम निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड पे, बहुत खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं. तो अब यहाँ से घर से निकलते हैं और आपको रास्ते में मिलते हैं. So guys, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे माते की जय, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया. एकदम फुला दिन का पहला टोल नाका और आप देख सकते हो थोड़ा उजाला हो गया. अभी हम रुकते हैं कहीं पे चाय पीने के लिए. मतलब जब तक चाय नहीं मिलेगी ना सुबह की, तो दिन ऐसा अधूरा अधूरा लगता है. तो यहीं पे चाय मारेंगे और फिर आगे निकलेंगे. ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बाइकर्स है, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं. और आप सामने देख सकते हो सूरज देवता आ गया. सो गाइस, पहला स्टॉप ले लिया हमने और हम जा रहे हैं इगतपुरी. इगतपुरी में बहुत खूबसूरत जगह है. वैसे तो हम आपको बहुत बार इगतपुरी लेके गए हैं, लेकिन इस बार नई जगह पे जा रहे हैं. और इनफैक्ट ये जगह वो है जहाँ पे मैं पहली बार सोलो राइड गया था, ब्लॉगिंग नहीं करता था. तो हमारे साथ है कहानी के सूत्रधार सुजय उर्फ जॉय और जॉय का साला रजत. अब देख सकते हो मिस्टर सूरज इज कम हियर टू ग्रीट अस. सो गुड मॉर्निंग. तो गाइस ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए हम लोग यहाँ पे खड़े थे, क्योंकि हमको ये बाइकर भी मिले. भले हम अलग अलग हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन वी आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी. तो उनसे हमने 10-15 मिनट बात की, उनके एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए, कहाँ गए थे, लद्दाख वगैरह उन्होंने मारा. तो कांटेक्ट हो गया, फ़ोन नंबर लिया. अभी हम उनको कांटेक्ट करेंगे और एक मेंबर ऐड करेंगे एज इन हमारे सर्कल में. तो चलो निकलते हैं अपनी काशी को लेके टू अ वंडरफुल डेस्टिनेशन इन इगतपुरी. चलो बाय 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 बाय. इस रोड तो वैसे ठीक है, लेकिन ये काफ़ी जगह पे ये कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, जिसके वजह से ना सही बीच बीच में ये ख़राब पैचेस है. बट लेकिन जल्दी ये हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है. ठंड हल्की हल्की है, ज़्यादा ठंड है नहीं इस बार. तो ठंड ने वैसे भी नॉर्थ में भी कुछ स्नोफॉल वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो अनलेस एंड अंटिल वहाँ पे कुछ स्नोफॉल नहीं होता है, तब तक मुंबई में तो ठंड आने से रही. हमको तो क्या राइडिंग करना है. और यूजुअली गर्मी हो या कोई भी सीज़न हो, सुबह के टाइम पे क्लाइमेट अच्छा रहता है. अब देख सकते हो अभी काफ़ी फॉग है स्मॉग है, मालूम नहीं मुझे. ज़्यादातर स्मॉग ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी है, तो उनका जो धुआं वगैरह होता है वो हवा में मिक्स होता है. देखिए जैसे ये जला गया है कचरा यहाँ पे, आइडियली कचरा जलाना नहीं चाहिए. सो गाइस ये देखिए ये ट्रक कैसे लोडेड है, मतलब दिस इज़ वेरी डेंजरस. मतलब हल्का सा भी एक थोड़ा सा एक तरफ का अगर टर्न वगैरह आए तो यार ये तो पूरा बॉडी फैल गया यार इसका. देख सकते हो पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया. अभी मस्त लग रहा है एकदम. बस ये यार ये कचरा वगैरह डालते हैं ना, मतलब आप दूर दराज इलाके में भी जाओगे तो आपको ये कचरा मिलना है. इसको क्या करना है मुझे मालूम नहीं है. मतलब द अथॉरिटीज विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से दैट. बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह पे ये कचरा अच्छा दिखता नहीं है. और ये मंदिर है कोई, जय माता दी. अभी हम यहाँ पे थोड़े देर रुके थे, देख सकते हो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और अभी निकल रहे हैं यहाँ से. तो गाइस आप देख सकते हो
कितना खूबसूरत है ये, वेरी ब्यूटीफुल। अभी मजा आएगा, इतने देर तक हम लोग है ना मतलब इट्स लाइक सिटी राइड कर रहे थे। अभी जो है ना ये मेन जो सेक्शन है हार्ड सेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ पे बहुत मजा आता है गाड़ी चलाने में। ओहो हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस यार ये कचरा डालते हैं ना वो गलत है, अब देखोगे इतना ब्यूटीफुल है ये रोड, लेकिन ये देखिए लेफ्ट साइड में कचरा, तो ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि है ना इसकी वजह से पूरी इसकी ब्यूटी खराब हो जाती है। और ये है अपने जॉय सर्कल, जॉय का सरनेम सर्कल है, हम उसको बहुत बार बोलते हैं यार तेरा नाम भारत रखना चाहिए था, तो हम लोग भारत सरकार बोलते थे। बस यहाँ भी ये दिक्कत है कि इस रोड पे ट्रक काफ़ी होते हैं क्योंकि ये रोड है ना दिल्ली इंदौर विंदौर आगरा ये जाता है, तो ट्रक्स काफ़ी होते हैं और फुली लोडेड होते हैं, तो ये जब ये चढ़ाई में इनकी दिक्कत होती है तो पूरी ट्रैफिक स्लो हो जाती है। तो चलो हम बाइकर्स हैं हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम साइड से निकल जाते हैं। सो गाइस अभी थोड़ी देर में कसारा घाट शुरू हो जाएगा, देख सकते हो नासिक इज 58 किलोमीटर फ्रॉम हियर। इस रोड से मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, मतलब इंदौर महाकाल के जो मैंने दर्शन किए यहीं से किए, इगत पर ही तो हम ऐसे ही जाते रहते हैं, काफ़ी बार मैं यहाँ से जाता हूँ। गाइस अभी यहाँ से कसारा घाट शुरू हो जाएगा, इसके लिए हमने सोचा यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा गाड़ी ठंडा करते हैं और फिर चाय भी पीते हैं, तो यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। गाइस अभी हम खा रहे हैं वड़ा पाव, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से कसारा घाट शुरू हो जाएगा, कसारा घाट जाती है हम इगतपुरी पहुँचेंगे और इगतपुरी से वहाँ से कुछ 25-30 किलोमीटर पे रहेगा अपर वैतरणा। तो आपने सुना अपर वैतरणा हमें जा रहे हैं। इस हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा रुके थे, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से अपर वैतरणा डैम इज 38 किलोमीटर्स है, 55 मिनट्स दिखा रहे हैं। हम लोग अलग रूट से जा रहे हैं, मतलब यूजुअली जहाँ से कोई जाता नहीं है, मतलब कसारा घाट जो है, हम कसारा घाट नहीं जाएंगे, हम कसारा घाट स्टार्ट करेंगे लेकिन आगे एक लेफ्ट है वहाँ से जाएंगे, वो रोड ज़्यादा खूबसूरत है, आते समय हम लोग नॉर्मल रूट से आएंगे। अरे यार चाबी रह गया, चाबी किधर है, चाबी कहाँ है? अरे चाबी हमेशा जेब में रहती है। तो चलो चाबी लगा दी है, गाड़ी स्टार्ट की है, सो लेट्स रोल। तो यहाँ से शुरू होता है कसारा घाट, हमने मैप लगाया जानबूझ के मैप लगाया क्योंकि हमको वो कट है ना पहले ही पता चलना चाहिए, नहीं तो हम सीधा अगर निकल जाते हैं तो सीधा कसारा ऊपर चलेंगे, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी जा सकते हैं हम लोग अपर बैतरणा, लेकिन हमको ये दूसरे वाले रूट से जाना है क्योंकि वो ज़्यादा सीनिक है। हाँ साइकिलिंग क्या बात है, मानता हूँ इनको, मतलब बाइकर की तरह इनमें इन लोग भी निकल जाते हैं कहीं पर भी, लेकिन साथ में इनको अपने मसल्स पे भी विश्वास होना चाहिए कि भाई ये इतना देर ये पेडल मारेंगे, हमारा क्या इंजन, गाड़ी में पेट्रोल भरो स्टार्ट करो और एक्सेलेटर दे के निकल जाओ, साइकिलिस्ट को ज़्यादा मानना चाहिए। A few moments later. So guys, मैं जो बोल रहा था ये वो रोड है, यहाँ से हम जा रहे हैं अपर वैतरणा, मतलब यहाँ से भी जा सकते हैं, दिस इज़ अ कसारा घाट नॉर्मल घाट, और हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि ये रोड ज़्यादा सीनिक है। सो टनल्स, ओहो क्लाइमेट चेंज हो गया, देखिए मैं बोल रहा था ना आपको ये ज़्यादा सीनिक है। तो जा रही है ट्रेन राइट साइड में, गाइस रोड बहुत खूबसूरत है और इतने टेस्टी है यहाँ पे टर्न्स है, बाइकर्स को तो यही चाहिए और क्या चाहिए बोलिए। और आते हैं ये बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स, सुपर ब्यूटीफुल। देखिए आपको हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आ सकती है अगर आप चाहो तो, वरना तो सब आप बोलोगे क्या बंजर है, झाड़ है, मट्टी है, पत्थर है, हमको इसी में मज़ा आता है और यही देखने के लिए हम बीच बीच में निकल जाते हैं। एक राइड मारूं अगले 15 दिन बैटरी चार्ज, मतलब हाई स्पिरिट, लेकिन राइड होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं भाई ये मतलब क्या मज़ा क्या आता है आपको, अभी मैं वर्ड्स में तो बयान नहीं कर सकता क्या मज़ा आता है, बट इट इज़, देखिए दिस इज मज़ा,
लेफ्ट साइड में देखिए जैसे लेक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस, सीरियस है कि नहीं खूबसूरत, मस्त। तो बेसिकली ये जो दिख रहा है यहाँ तक पानी ऊपर आता है, यहाँ ये पूरा पानी भरता है, आगे कहीं पे डैम रहेगा तो ये पानी भरता है, इसकी वजह से ये काफ़ी सारे आप देख सकते हो झाड़ कटे हुए हैं और यहाँ पे उगेंगे नहीं क्योंकि पानी जब भरता है तो मर जाते हैं वापस। जो है उधर फोटो निकालते हैं भाई। सो गाइज़ आप देख सकते हो ये ब्रिज लोकेशन ब्यूटीफुल, और ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हम 90-100 किलोमीटर आए हैं अभी तक घर से, और ये इतना खूबसूरत है। सो गाइज़ बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ पहले भी लेकिन रुका नहीं था यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप के साथ आया था, ऑलमोस्ट मोर देन 100 राइडर्स थे। मेरी एक राइड थी भावली डैम फैंटम मोटोज के साथ, तभी हम यहाँ से आए थे, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, मैं जॉय और रजत है, दो बाइक्स है, हमने सोचा यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेते हैं। आप भी देख सकते हो इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो गाइस अभी हम निकले हैं यहाँ से और आप देख सकते हो, आप बोलोगे यार ये बार बार ब्यूटीफुल 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 बोलता है, अरे भाई कोई दूसरा शब्द ही नहीं ना हमारे पास, ये खूबसूरत ही इतना है। और जा रहे हैं हमारे जॉय बाबा अलोंग विथ रजत उनके साला। अभी हम एक पहाड़ से, अभी ये ब्रिज से दूसरे पहाड़ पर जा रहे हैं, ये पूरा रोड ये ऐसे ही है खूबसूरत। अब ब्यूटीफुल से परेशान आया ना तो अभी इसके लिए मैं खूबसूरत बोल रहा हूँ। ओहो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मस्त है एकदम, क्लाइमेट सुपर्ब है। मतलब हम वो मेन रोड से मतलब कसारा घाट के अंदर हम आए तब से क्लाइमेट ही पूरा चेंज हो गया। वेरी सीरियस, क्या बात है ब्यूटीफुल इट इज। और सोचिए यहाँ से जब भी बारिश होती रहेगी ये पानी पूरा जाता रहेगा यहाँ से इतनी स्पीड में, तो क्या मज़ा आता रहेगा। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डैम बनाया उन्होंने, मतलब पानी जमा करने के लिए। रियली ब्यूटीफुल यार, बहुत खूबसूरत है। अब सोचो ये गांव है यहाँ पे छोटे छोटे, बहुत मतलब इतनी साफ सुथरी हवा में
इन लोग जीते रहेंगे। बारिश में तो यहाँ पे इट वॉज इट विल बी लाइक जन्नत। तो भाई जब ये हम किसी गांव में आए हैं और यहाँ से हमको लेना है राइट, ये जंक्शन है इसीलिए यहाँ पे बहुत भीड़ है। सो गाइस यहाँ पे राइट साइड में ये लेक है छोटा सा, यहाँ पे आपको ना काफी सारे लेक मिलेंगे इगतपुर में। इनफैक्ट मतलब मुंबई का पूरा पानी इसी तरफ से आता है। दिस इज नॉट टेक्निकली इगतपुरी लेकिन इस इलाके में मैं बोल रहा हूँ। प्रॉब्ली दिस कम्स इन थाने डिस्ट्रिक्ट, मतलब हम इगतपुरी कम्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट और ये है थाने डिस्ट्रिक्ट। ओ हो तो गाइस हम यहाँ पे रुके, अब देखो सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। बहुत मजा आ रहा है, मतलब ये जो सीनिक ब्यूटी जो है ना इस एरिया की, मतलब लाजवाब। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। ओ हो सी दिस, ये देखो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ पे रुकूं मैं। मतलब जॉय बोल रहा है यार पहुँचने वाले है कि नहीं, इतनी जगह पे तो रुक रहा है लेकिन करे क्या सर, जैसे मैंने कहा इट्स अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन दैट मैटर्स। आप जर्नी अगर एंजॉय करते हैं ना तो जब भी डेस्टिनेशन पहुँचोगे तो है ना एक सेंस रहता है, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, मतलब आपने कुछ हासिल कर लिया है, वैसे ही कुछ है ये। तो यहाँ से दिखा है नासिक 58, इगतपुरी 32 और घोटी 23। तो प्रॉब्ली हम लोग अभी है ना नासिक डिस्ट्रिक्ट में एंटर किए हैं थाने से, इसके लिए वो बोर्ड था वहां पे। सो गाइस ये रोड देखिए, वो जो बोर्ड जो था ना जहाँ पे नासिक वगैरह सब लिखा था डिस्टेंस, उसके बाद है ना ये रोड खराब हो गया। मुझे लगता है उस तरफ थाने डिस्ट्रिक्ट था और इस तरफ नासिक डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरफ वाला रोड बनाया नहीं है। मतलब उस तरफ तो सुपर्ब था और यहाँ पे काफी सारे ये गंदे पैचेस है। ओ हो गाइस लेफ्ट साइड में देखिए क्या बात है, दैट्स द लेक। रोड भी मजेदार है, नजारे भी मजेदार है और हमें बहुत मजा आ रहा है। गाइस नजारे देखो, नजारे और ये रोड, आहा गजब कॉम्बिनेशन है, बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। अभी शायद से ये लेफ्ट है, अभी हम जिस रास्ते से आए थे रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि हमेशा की तरह गूगल आंटी ने हमें दिया धोखा और रिटर्न 5.5 किलोमीटर हमको जाना है। तो चलो कोई नहीं, थैंक यू गूगल आंटी। सो गाइस अभी हम बराबर आ गए, अभी बस थोड़ी दूर है तो वहाँ से मैं गुजर रहा था, मुझे थोड़ा अंदाज़ा आया कि भाई हम थोड़ा आगे जा रहे हैं लेकिन
हमने गूगल पे भरोसा किया और आप तो जानते हो, लेकिन चलो कोई नहीं यार, चलता है इतना। गूगल के भरोसे तो हम कितनी दूर दूर जाते हैं यार, 19-20 हो जाता है, चल जाता है, एक्सेप्टेबल, उसके लिए कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आप देखिए, आपको दिखने वाले हैं नज़ारे। ओहो, सीरियस गाइस, इज इट नॉट रियली ब्यूटिफुल? वाओ, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, इट्स जस्ट लाइक अ वाओ। सीरियस, ब्यूटिफुल। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। सो दिस इज अपर वैतरणा डैम, मतलब मुंबई थाने का जो पानी आता है इसी डैम से आता है। मतलब और भी डैम है जहाँ से आता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द डैम, और ये ह्यूज है, आप देख सकते हो, दिस इज ह्यूज। मतलब ये जितना इस तरफ है ये रोड जाता है, उतना ही ये उससे भी ज़्यादा बड़ा उस तरफ है। तो पिछले बार मैं जब ये आया था तभी ये सब, अभी जैसे ये बंगलो वगैरह है, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये बैराकेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। मतलब अब मैं उसके ऊपर गया था, वहाँ से भी मैंने वीडियो निकाले थे, फ़ोटो निकाले थे। जो मेरा सबसे पहला वीडियो है यूट्यूब पे, आज भी देखोगे जो सबसे पहला वीडियो है ना, वो वहीं का है। ज़्यादा नहीं, छोटा सा था, क्योंकि तब मैं ब्लॉगिंग करता नहीं था, लेकिन जब भी मैंने यूट्यूब शुरू किया तो मैंने सोचा कि उसी वीडियो को सबसे पहला डालते हैं। मतलब सॉर्ट ऑफ डाल दिया था मैंने, देखने के लिए कि भाई अपलोड विपलोड कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, तो वो मैंने किया था। तो आप जाके देख सकते हो, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको खुद ही दिखा रहा हूँ। बट देन दैट टाइम ना, इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। ये अभी जब बैराकेट्स वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब सब ओपन था, यू कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ दिस लेक रोड से। सो गाइज, आप देख सकते हो, दिस इज रियली ब्यूटिफुल। मतलब आपको क्या ही चाहिए। सो गाइज, अभी हम इस खूबसूरत लोकेशन को बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:30, 12:30 है, तो 2-2.5 घंटे हमें लगने चाहिए घर जाने के लिए। अगर कुछ खाने के लिए रुकते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा समय लगेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू, दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल। अगर आप मुंबई के आसपास रह रहे हो तो अपर वैतरणा ज़रूर आना, यू कैन स्पेंड अ गुड डे ओवर ईयर। A few moments later. So guys, हमने मैप लगाया, आप देख सकते हो, इट इज शोइंग 2 hours 54 minutes फॉर 135 किलोमीटर। सो हम लोग हमारे घर से 135 किलोमीटर दूर है, और अभी वैसे तो गूगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने गूगल लगाया ताकि पता चले कि भाई नज़दीक वाला रास्ता कौन सा है। और इस खूबसूरत लोकेशन को बाया कहते हैं, इट्स वेरी ब्यूटिफुल यार। जॉय भी रेडी है, रजत भी रेडी है, निकलते हैं यहाँ से, सीधा आगे जाके हम लोग रोड पे उतरेंगे। यहाँ पे तो कैंपिंग भी कर सकते हैं।
तो पिछली बार मैं यहाँ से ऊपर गया था, लेकिन अभी यहाँ पे कार लगाई है। तो मैं अभी आपको इस तरफ कैसा दिखाता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, जबरदस्त। एक आध फोटो यहाँ पे भी खींच लेते हैं। तो चलो गाइस, जब ये लोकेशन ऐसा लोकेशन था जहाँ पे मैं सोलो आया था, मतलब तब मेरी पहली सोलो राइड मैं यहाँ पे आया था, और इसी वजह से मैं इसको कभी नहीं भूलूँगा। तो गाइस, आते समय हम लोग यहाँ से आए थे राइट से, और अभी हम लेफ्ट से निकल रहे हैं क्योंकि ये वाला रोड नज़दीक वाला है, मतलब कसारा घाट वाला है। सो गाइस, रोड एकदम मस्त है, मस्त मतलब थोड़े थोड़े पैचेस हैं गंदे बीच बीच में, बट अदरवाइज ये जो लोकेशन है दोनों तरफ पेड़ है और ये सड़क, अल्टीमेट ये एक टॉनिक है मन में आपको, मतलब हफ्ते में एक बार ये टॉनिक लो और हफ्ता भर तंदुरुस्त रहो, वैसा है। अभी हमें तो हर हफ्ते जमता नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब टेक्निकली भी फाइनेंशियली भी। तो चलो ठीक है, जितना हम इसका स्वाद ले सकते हैं उतना तो लेंगे, क्योंकि अगर इसका अगर हम स्वाद नहीं लेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे यार। सो गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी बस थोड़ी देर में हम मुंबई आगरा हाईवे को टच करेंगे और फिर वहाँ से हम कसारा घाट लेके मुंबई जाएंगे। जब मैं पिछली बार यहाँ से आया था तो ये रोड इतना चौड़ा नहीं था ना इतना अच्छा था, लेकिन ये रोड अभी मस्त हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। देख सकते हो ये बंगलो, क्या ब्यूटीफुल बंगलो है, और लोकेशन देखो, मतलब और क्या चाहिए यार। तो ये राइट साइड में भी एक लेक है, यहाँ पे ना बहुत सारे लेक्स है, मतलब दिस इज द वाटर टैंक ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई को जो पानी आता है यहीं से आता है। वही इस रजत ने हमारा उल्टा बैठ के बाइक पे हमारे वीडियो निकाले, तो ये है वो वीडियो। अच्छा है, रजत था इसकी वजह से ये शूटिंग भी हो गया, मतलब अदरवाइज तो यार हम तो अकेले रहते, हमारा शूट करने के लिए कोई नहीं रहता है। फर्स्ट पर्सन व्यू आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस बार एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैंने दिखाया आपको। सो गाइस, हम आ चुके हैं, ये आगे सामने जो दिख रहा है दैट इज मुंबई आगरा हाईवे। दिस इज गोटी, ये जो आप लेफ्ट देख रहे हो दैट गोज टू शिरडी, तो ये शिरडी वाली ट्रैफिक है। और हमें कुछ खाना है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, और दो वड़ा पाव खाए थे वही, भूख लगी है, और जब भूख लगती है ना तभी नींद भी आती है, और ज्यादा खाने के बाद नींद तभी भी नींद आती है। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गाइस, अभी हम रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, और हमने मंगाया है चिकन लसुनी, संडे है और थके हुए हैं, सुबह से दो वड़ा पाव खाया, मतलब बेसिकली कचरा खाया, तो अभी कुछ ढंग का खाना खाते हैं। दिस इज चिकन लसुनी सैलेड, रोटी, और हम चलो अभी मज़ा लेते हैं। भाई छोटा सा ढाबा है लेकिन टेस्ट जबरदस्त है, भूख भी लगी थी लेकिन सही में बहुत टेस्ट अच्छा है। रोड साइड ढाबे पे खा रहे हैं, जो बड़े होटल में जाते हैं वहाँ पे मिलता है अच्छा नहीं मिलता है वो भी एक कंसर्न है, यहाँ पे भी अच्छा नहीं अच्छा मिल सकता है, बट इस कॉस्ट में इतना अच्छा खाना। चलो चिकन जबरदस्त है, अभी खाते हैं और फिर बाद में आपसे मिलते हैं, अभी डिस्टर्ब मत करना कम से कम 10 मिनट के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस खाना हो चुका है, जबरदस्त, दिल एकदम मस्त हो गया, कॉफी शॉट, तो अभी इसको मारेंगे
तो एकदम पूरी चुस्ती आ जाएगी बदन में और फिर हम फूर्ती की तरह अपने घर के लिए निकलेंगे। देखो अभी जैसे ये जा रहा है नीचे, वैसे ना ये बाल है ना दिखेंगे नहीं लेकिन खड़े हो रहे हैं। सो गाइस दिस इज द ढाबा। तो ध्यान देना जैसे ही आप टोल नाका क्रॉस करते हो यहाँ से, ये माउंटेन है, इसके बाजू में ब्रिज है और ये ब्रिज के पास में ये ढाबा है। खाना इनका बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आप इस तरफ हो और अगर आपको एकदम देसी स्टाइल खाना है, ये मतलब मिक्सी वाला नहीं है, ऐसे लग रहा था कि सब मसाले जो थे ना वो ऐसे मतलब कूटे हुए थे और सीधा तड़का लगा दिया, मस्त मजा आया। तो अभी यहाँ से अभी निकलते हैं। तो गाइस यहाँ से रोड सीधा सीधा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।